हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ पार्लर। आज थोड़ा लेट हो गया है, मुझे हेड बाथ वगैरह करना था और मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों, मैंने बहुत कम सोया है, वो भी से थोड़ा थोड़ा करके सोया है तो नींद नहीं आई, उसकी वजह से मुझे उठने में लेट हो गया, फिर हेड बाथ करके नहा धो के आने में लेट हो गया। तो आज थोड़ा लेट हूँ मैं, पर लेट हूँ, लेजी नहीं हूँ। जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे आज भी। कल का मेरा क्लासेस बहुत ज़्यादा चला, बहुत कुछ मतलब चला, अच्छा चला, और कल मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो आज आते कि मैंने कैमरा उठाया और ब्लॉग करना शुरू कर दिया। कल मेरी फ्रेंड का मेनका, क्रिएटिव मेनका करके उनकी भी यूट्यूब आईडी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती हैं। वो मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, उनका ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी। तो आप वो आईडी को चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप अपनी जर्नी शेयर करो, स्टिचिंग की जर्नी। तो ना मैं एक सिट डाउन वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी, अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने जॉब को क्यों छोड़ा, क्यों मैं ये प्रोफेशन में आई, बिजनेस क्यों प्लान किया मैंने, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जरूर 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 शेयर करूंगी सबके लिए। अगर कोई नहीं चाहता है तो भी, पर एक पर्सन को मेरी थिंग्स, मेरी चीज़ें मोटिवेट करती हैं तो मैं उनके लिए भी पक्का करूंगी। मेरी फ्रेंड के लिए ही करूं तो सही, पर करूंगी मैं ज़रूर। तो मैं प्लान कर रही हूं एक दो दिन में मैं वो ब्लॉग भी शेयर कर दूंगी जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। और चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपने काम को करना, और मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं, यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह सब कुछ शुरू हो गया है और उसके बाद थोड़े कटिंग करके रखे हैं, उसकी स्टिचिंग करनी है। तो बताते रहती हूँ मैं आपको कि कैसा क्या है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने कल मुझे एक पेन गिफ्ट किया, जो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू। पार्लर में आके अभी काम शुरू ही हुआ था कि मुझे याद आ गया कि मुझे जाना था चार मीनार। मुझे मेरी मैनीक्यूर लाना था, डमी लाना था जो हमारे पार्लर के लिए, सॉरी बुटीक के लिए, क्योंकि हमारे पास मतलब हम नहीं लेके आ पाए थे अभी तक। 5-6 महीने हो गए शॉप की ओपनिंग करके। तो हम गए देखने के लिए, बहुत सारे वेराइटी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और नया कुछ सीखने को मिला कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या रेट्स, किस तरह से सब कुछ होता है। तो मैं बहुत सारा कुछ देखने के बाद एक अच्छे रिजनेबल रेट पे डमी को लेके आ गई। 10 साइज है उसका जिसको मैंने लिया है। उसके बाद ही मैं देख रही थी कि और क्या क्या ले सकती हूँ। और जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, ये चार मीनार मार्केट है, इसको क्या बोलते हैं, अजीज प्लाजा बोलते हैं एरिया को, अगर जिसको भी चाहिए होगा तो वहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा असेंबल नहीं कराया वहाँ पे, क्योंकि उसको लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो हमने बस उसको गाड़ी पे रख के, विदाउट असेंबल ही गाड़ी पे रख के लेके आ गए। और लाने के बाद शॉप में नेक्स्ट डे असेंबल करके उसको रेडी करे। तो यहाँ पे मैं ड्राइव कर रही थी और मेरी फ्रेंड पीछे बैठ के वीडियोज निकाल रही थी। उसके बाद हम लोगों को फैब्रिक भी देखना था, थोड़े फैब्रिक, थोड़े फैंसी आइटम्स, ये सारे चीज़ें लेने थे। तो हम लोग उसको कंफर्म करने के बाद, डमी को कंफर्म करने के बाद शॉप पे छोड़ के और हम लोग चले गए फैब्रिक्स लेने को। जो फैब्रिक्स थोड़े बहुत लिए, नए वेराइटीज़ के पाइपिंग वाले फैब्रिक्स, बहुत सारे शॉप, बहुत सारे रेट्स पता करे। उसके बाद फैंसी आइटम्स के शॉप पे गए, फैंसी आइटम्स वगैरह लिए। नेटेड में भी बहुत अच्छे अच्छे और वेलवेट में बहुत सुंदर फैब्रिक्स दिखे हमें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे। कल जैसे आप लोग देखे होंगे लास्ट ब्लॉग में पहले कि मैं गई थी चार मीनार, मुझे मतलब मेरे शॉप ओपन करके 5-6 महीने हो गए थे पर अभी तक मैंने डमी भी नहीं लेके आई थी। तो मैं कल जाके ये डमी लेके आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये डमी मुझे बहुत दिनों से लेना था पर लेना नहीं हो पा रहा था। तो मैं कल गई चार मीनार, बहुत ढूंढने के बाद मुझे अच्छे रिजनेबल रेट पे मिल गई ये डमी। उसके बाद मैं ये वाली बॉडी 4 लेके आई। ये बॉडी इसलिए लेके आई कि ताकि मैं ब्लाउज डिज़ाइन करूँ तो उसमें लगा सकूँ। डमी का पूरा सेटअप होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लाउजेस को यहाँ पे लगा के रखा है, 2 ब्लाउज को और यहाँ पे 1 ब्लाउज को। तो धीरे धीरे उसको लगा लेंगे। फिर थोड़े फैंसी आइटम्स के सामान भी लेके आई मैं। तो कल सुबह 1 बजे निकले थे हम लोग यहाँ से और बज गया हमको आने आने तक
रात को 7, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाई। मेरे फ्रेंड ने बहुत सारा कुछ रिकॉर्ड किया है जो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मेरे काम को अभी डेवलप कर रही हूँ धीरे धीरे से। मेरा वॉलपेपर भी आ जाएगा एक दो दिन में, कल तक आ जाएगा शायद, उसके बाद पूरे पार्लर में वॉलपेपर लग जाएगा। उसके बाद मैं दूंगी अपने पार्लर और बुटीक का टूर, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए, पर अभी तक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे जो थोड़ा चेंजेस चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, बहुत बेसिक था। मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, थोड़ा अरेंज होने के बाद मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ टूर शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और कुछ अगर रेट्स वगैरह भी आपको जानने हैं कहाँ से मिला हमें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और कमेंट करना बहुत सारा।